शहर, गांव या टाउन बहुत सारे लोगों का, इमारतों का, सड़कों का और व्हीकल का समूह होता है। आज पूरी दुनिया में सभी देशों को मिलाकर करीब 4 मिलियन से ज्यादा शहर और टाउन है, जिनमें यूएसए में करीब 19,500 शहर है और हमारे देश भारत में करीब 4,000 से ज्यादा शहर है। आमतौर पर दुनिया के लगभग सारे अर्बन शहर अप्स या डाउन कुछ हद तक एक जैसे ही होते हैं, मतलब उनकी लाइफस्टाइल एक जैसी होती है, लेकिन कुछ शहर दुनिया में यूनिक है। ये कुछ रेयर ऑफ द रेयर शहर अपनी स्पेशल क्वालिटीज के लिए संपूर्ण दुनिया में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम कुछ ऐसे शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी स्पेशल क्वालिटीज को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक शहर जो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड जमीन में बसा है, ऊपर कुछ भी नहीं है। एक शहर तो ऐसा है जिसमें कारें ही नहीं है, और एक शहर तो ऐसा है जहाँ पर ना तो कोई धर्म है, ना ही कोई जाति और ना ही कोई कानून या लॉ है। यहाँ ना तो कोई पैसे चलते हैं और ना ही कोई पॉलिटिक्स। एक ऐसा भी शहर जो सिर्फ एक ही बिल्डिंग में रहता है, और एक ऐसा भी शहर जो एक ही शहर में पूरे यूरोप को समाये हुए है। सो वेलकम बैक टू द नॉलेज। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, और हेल्दी और साइंटिफिक और यूनिक नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप ऑलरेडी हमारे सदस्य हैं, तो मेक श्योर आपने बेल आइकन बजाया है ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चले जानते हैं सबसे पहले द स्ट्रेंज सिटी, कूबर पैडी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का ये टाउन कूबर पैडी बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अलग है। ये टाउन पूरा जमीन के ऊपर नहीं, लेकिन जमीन के भीतर भूगर्भ में बसा है। इस गांव को ऊपर से देखने पर आपको कुछ गांव जैसा लगेगा ही नहीं, आपको सिर्फ मिट्टी के टीले नजर आएंगे। लेकिन यहां पर भूगर्भ में जमीन के नीचे जब आप जाओगे तो आपको आलीशान महलों जैसे घर मिलेंगे। जमीन के नीचे आपको इस गांव में छोटा सा सिनेमा घर, स्टोर्स, बियर बार, मॉल और सब कुछ मिल जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ भूमि के अंदर आपको होटल्स, पब, कैसीनोस, गेम सेंटर और अनेक म्यूजियम भी मिलेंगे। भूगर्भ में इस गांव के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस शैली से बनाया गया है कि आप इसे देखकर दंग रह जाएंगे। इन अंडरग्राउंड घरों में ना तो गर्मियों में कोई एयर कंडीशन की जरूरत होती है और ना ही सर्दियों में कोई हीटर की, और इन सभी मकानों का प्रवेश द्वार, उसके भीतर जाने का रास्ता ग्राउंड लेवल पर ही बनाया गया है। इस जगह का इतिहास ये है कि यहाँ पर ओपेल की खदानें थी, और इस खदानों के खाली हो जाने के बाद लोगों ने यहाँ पर घर बनाने शुरू कर दिए, और धीरे धीरे समय के जाते ये खदानें घर, रेस्टोरेंट्स, होटल, सिनेमा घर, म्यूजियम और पूरे के पूरे एक शहर में तब्दील हो गई। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं, बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में भी यहाँ पर उतरी है, और यहाँ पर बहुत सारी अंडरग्राउंड लग्जूरियस होटलें भी है। नंबर 2, सिटी विदाउट कार्स। दोस्तों, स्पेन में एक शहर है पोंटेवेद्रा। इस शहर की खास बात यह है कि यह पूरा का पूरा शहर ऑलमोस्ट कार फ्री है। यह शहर छोटा है और इस शहर के लोग पैदल चलकर या साइकिल पे सफर करना पसंद करते हैं। इस शहर में बहुत ही गिनी चुनी कारें हैं, और वो भी आमतौर पर खासकर पड़ी रहती है। आप गूगल इमेज पे भी जब इस शहर की तस्वीरों को ढूंढेंगे तो वहाँ पर भी आपको अधिकतर लोग पैदल चलते ही दिखाई देंगे, कार्स लगभग आपको दिखाई ही नहीं देगी, और इस कारण आज पोंटेवेद्रा कारलेस और पैदल चलने वालों का शहर बन चुका है। और ये करिश्मा कर दिखाया है इस शहर के मेयर ने। आज से करीब 21-22 साल पहले इस शहर की पॉपुलेशन करीब 8 लाख हुआ करती थी, और आप मानोगे नहीं, लेकिन इतनी ही कारें, यानी कि 8-9 लाख कारें इस शहर में थी, और इस शहर का ट्रैफिक से बहुत ही बुरा हाल था, जिसके चलते यहाँ के मेयर और यहाँ की गवर्नमेंट ने पोंटेवेद्रा को कार फ्री बनाने की योजना बनाई। और दोस्तों, इतने साल बाद आज ये शहर कार फ्री तो हो ही चुका है, लेकिन ऑलमोस्ट पॉल्यूशन फ्री भी हो चुका है। इस शहर के चौराहों पर कई सारे मैप्स भी बनाए गए हैं जो आपको इस शहर की गलियों की जानकारी देते हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर पैदल जाने के लिए आपको कितना समय लगेगा, साइकिल पर जाने पर कितना समय लगेगा, और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्राम को यूज करने पर कितना समय लगेगा। अब मानो के जो लोग इस शहर में यूरोपियन टूरिस्ट या पोर्टुगल से या अमेरिकन टूरिस्ट या इंडिया से जब भी लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं, तो इस शहर से बाहर उनके लिए उनकी गाड़ियों को पार्क करने की अलग ही व्यवस्था बनाई गई है, और इस शहर के अंदर कुछ मालवाहक या कुछ ट्रांसपोर्ट के व्हीकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही आ सकता है। दोस्तों, शुरुआत में इस शहर के लोकल व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन बाद में जब इस शहर के टूरिस्ट बढ़ने लगे और वैसे भी लोग पैदल चलकर और साइकिल पर सामान खरीदने आते जाते रहते, बाजारों में पैदल चलने वालों की भीड़ जमा होने लगी और बिक्री दिन ब दिन बढ़ती गई, इसलिए स्थानिक व्यापारियों को भी इस अनोखे शहर का फायदा हुआ है।
और फ्रेंड्स, इस शहर पोंत्रे वेद्रा ने हमें ये दिखा दिया है कि बिना कारों के, बिना कोई पॉल्यूशन के भी शहर कितना खुशहाली से चल सकता है। और वहाँ के लोकल लोगों का, स्थानिकों का ये कहना है कि आज ये शहर रहने के लिए पहले से 100 गुना ज्यादा बेहतर बन चुका है और इसलिए यहाँ पे दुकानें और घरों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। द नेक्स्ट इज नंबर 3 और ये शहर हमारे अपने देश भारत से है, ऑरोविल तमिलनाडु इंडिया। दोस्तों, आप एक ऐसे शहर की कल्पना करिए जहाँ पर कोई रिलीजन नहीं है, कोई रेसिज्म नहीं है और तो और कोई लॉ भी नहीं है। इस शहर में सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता हो और सभी लोग ऑलमोस्ट सेम सैलरी पाते हो, ना कोई अमीर और गरीब के बीच की खाई हो और ना कोई आपको जज करने वाला हो। जी दोस्तों, मानो ऐसा कोई शहर हो तो क्या कहेगे आप? कहेंगे ना कि लाइफ तो इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लाइफ को मजेदार और इंडिपेंडेंस बनाने वाली एक जगह है दुनिया में और कहीं नहीं, हमारे देश भारत में ही है, जिसे कहा जाता है ऑरोविल। यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी बनाई गई है जहाँ पर लोग मेडिटेट करते हैं। फिर से कहता हूँ, कोई रिलीजन यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। यहाँ पर लोग कम्युनिटी के लिए यानी कि शहर के लिए काम करते हैं, लेकिन वही काम करते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। ये एक कैशलेस सोसाइटी है और यहाँ पर 0 crime rate है और इस जगह को वहाँ के लोग ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हालांकि इस शहर ऑरोविल की स्थापना साल 1968 में की गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये शहर दुनिया में फेमस बन गया है। यहाँ पर लोग रुपए, पैसे और राजनीति को छुए बिना भी अपना जीवन आराम से गुजारते हैं। ये शहर चेन्नई से करीब 150 किलोमीटर दूर है। माँ नाम से प्रसिद्ध मीरा अल्फाजा ने 28 फरवरी 1968 को इस शहर को श्री अरविंदो सोसाइटी प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया था। इस शहर की स्थापना करने वाली माँ मीरा अल्फाजा का मानना था कि ये शहर भारत में बदलाव की हवा लाएगा। उनका विचार ऐसा था कि ये शहर ऐसा होगा जहाँ पर दुनिया के किसी भी हिस्से से लोग आकर रह सकते हैं और सभी मोरालिटी के साथ, बिना कोई रिलीजन, आध्यात्मिकता से जुड़कर सुखी से जीवन जी सकते हैं। और इस शहर की और एक यूनिक बात यह भी है कि यहाँ पर सब इक्वल है। यहाँ पर कोई भी इंसान किसी भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं रखता है। शहर की सभी बिल्डिंगें शहर की असेंबली के अंदर आती है। इस शहर के बीचों बीच ये एक खूबसूरत जगह बनाई गई है जो एक आधुनिक स्ट्रक्चरल टेम्पल टाइप लगता है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग दुनिया से आते हैं, बैठते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और बिना किसी धर्म या जाति का चश्मा पहने वो अपने इष्ट को याद करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें निःशुल्क है और पैसों का आदान प्रदान तभी होता है जब कोई चीज ऑरोविल से बाहर निर्यात करनी या आयात करनी होती है। और ये शहर किसी एक इंसान या किसी एक समाज का नहीं है, लेकिन ये शहर संपूर्ण इंसानियत को दर्शाता है। यूनेस्को ने भी इस शहर की प्रशंसा की है और यूनेस्को अब तक इस शहर को 4 awards दे चुका है। दोस्तों, इस शहर में आपको मोरालिटी और इंसानियत की चरम सीमा देखने को मिलेगी। नंबर 4, द गार्बेज सिटी। दोस्तों, दुनिया में एक पूरी की पूरी गार्बेज सिटी भी है। इस गार्बेज सिटी का असली नाम तो मंसियत नासर है, लेकिन इस शहर को गार्बेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर इजिप्ट में स्थित है जो कैपिटल कायरो के पास है और यहाँ से पूरे इजिप्ट से नहीं लेकिन कई सारी और जगहों से भी गार्बेज रिसाइकलिंग करने के लिए लाया जाता है। इसलिए यहाँ पर कूड़ा कचरा इतना आता है और इतना भरा पड़ा होता है कि इस शहर को गार्बेज सिटी का नाम मिला है। इस शहर में आपको जहाँ देखोगे वहाँ सिर्फ कचरा ही कचरा नजर आएगा। सड़कें हो, घर हो, बालकनी हो, छत हो, गलियां हो, कुछ भी, यहाँ पर कुछ भी हो, सिर्फ कचरा और बांस ही मिलेगी। नंबर 5, द विलेज, फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के बाद कहीं पर शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं तो ये शहर आपके लिए टू द पॉइंट परफेक्ट है। ये शहर सिर्फ रिटायर्ड और बूढ़े लोगों के लिए ही बनाया गया है। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम होते हैं ना, बस ये एक पूरा का पूरा शहर वृद्धाश्रम है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शहर इतना शांति और सुकून से भरा है कि यहाँ पर आज तक एक भी छोटा बड़ा भी आपराधिक मामला नहीं हुआ है। नंबर 6, विलेज ऑफ नेकेड पीपल। मैं दुनिया में बहुत सारी जगह घुमा हूँ जहाँ पर यूरोप में खासकर कई सारे पब्लिक प्लेस पे भी, बीचेस पर भी और कई सारी जगहों पर लोग बिना कपड़ों के घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा गाँव है और इस गांव का नाम है स्पील प्लाइट्स न्यूडिस्ट विलेज। ब्रिटेन के हर्टफुट शहर के ब्रिगेट वुल्ड में दूर स्थित एक छोटा सा गांव है और यहां रहने वाले बच्चे, महिलाएं, पुरुष, आधेड़, वृद्ध सभी बिना कपड़ों के रहते हैं और ये कोई आदिमानव की तरह नहीं लेकिन पूरी मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं। दोस्तों, इस गांव के लोग सालों से नेकेड, बिना कोई कपड़े ही रहते हैं।
यहाँ के लोग वस्त्र पहनना पसंद नहीं करते हैं। वो लोग बिना कोई कपड़े जीवन जीकर ये मानते हैं कि वो नेचर से कनेक्टेड है। ये गांव जिस जगह पर बसा है उस जगह को 1929 में एसुल्ट रिचर्सन ने खोजा था और इसके बाद इस ब्यूटीफुल जगह पर लोग आने लगे, बसने लगे और एक ये शहर बन गया। और शुरुआत से मतलब खोजा गया तब से ही लोगों ने यह फैसला किया कि वो यहाँ पर प्रकृति के पास और पूरे नेचुरल तरीके से रहेंगे। और तब से लेकर आज तक यहाँ के लोग आराम से ऐसे ही निर्वस्त्र जीवन गुजारते हैं। नंबर 7, उमोजा। नॉर्थ केन्या में बसा ये एक गांव है उमोजा, जहाँ सिर्फ औरतें ही रहती है। द मैन आर बैंड हियर, कोई भी पुरुष इस गांव में अलाउड नहीं है। फ्रांसिस, गांव की स्टोरी ये है कि 1990 से पहले ये गांव मेल डोमिनेट था। यहाँ की महिलाओं पर बहुत ही अत्याचार होते थे और उनके नाम पर कोई जमीन, घर या जायदाद नहीं हुआ करती थी। महिलाओं के कोई राइट्स नहीं थे, उनकी छोटी बच्चियों की बूढ़ों के साथ शादी करवाई जाती थी और महिलाओं पे बहुत जुल्म किए जाते थे। और इस सबसे तंग आकर उनमें से कुछ औरतों ने ये गाँव बसाया था। शुरुआत में इन महिलाओं को और इस गाँव को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। इन महिलाओं की काफी बुराई हुई और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन फाइनली ये महिलाएं अपने मिशन में कामयाब हो गई और कई सारी और बाहरी औरतों ने भी इनका साथ देना शुरू किया और यहाँ पर एक पूरा फीमेल डोमिनेट गांव बस गया। और आज इस गांव में हर एक सुख सुविधाएं हैं और इस गांव का मेन इनकम सोर्स ज्वेलरी बनाना है जो पूरी दुनिया में बिकती है। इनके अलावा यहाँ की कुछ औरतें पशुपालन और खेतीबाड़ी में भी निर्भर है। नंबर 8, द मास्क सिटी। दोस्तों, कोरोना काल में हम सब ने, यानी कि लगभग पूरी दुनिया ने मास्क पहने हैं और मानो पूरा वर्ल्ड ही एक मास्क सिटी बन गया था। लेकिन जापान में एक जगह, एक शहर ऐसा भी है जहां पर मास्क पहनना जरूरी है और वहां के लोग आपको आउटसाइड मास्क में ही नजर आएंगे। इस शहर का नाम है मियाकेजिमा, जो जापान में है। छोटी सी आबादी वाले इस शहर के आसपास कई बार ज्वालामुखी फूट चुका है और साल 2000 के साल में यहाँ पर जहरीली गैस निकलने के कारण लोगों का रहना रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था, लेकिन हवामान शुद्ध होते ही वापस यहाँ पर लोगों को रहने की आजादी दे दी गई थी। पर फिर भी यहाँ पर कुछ प्रतिशत में जहरीली गैस का खतरा है, इसलिए लोग यहाँ पर मास्क पहन के ही रहते हैं। नंबर 9, वेटर, अलास्का। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका के एक बहुत बड़े स्टेट अलास्का का ये छोटा सा कस्बा है और ये गांव सिर्फ एक वन लाइन टनल से जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर पहुँचने का और यहाँ से वापस जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये टनल। और यहाँ की पॉपुलेशन आज करीब 250 के आसपास है, लेकिन फ्रेंड्स, इस कस्बे में, इस छोटे से टाउन में रहने वाले लोगों की खास बात यह है कि इस गांव में रहने वाले सभी लोग सिर्फ एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और इस बिल्डिंग का नाम है बैगेज टावर। दोस्तों, सन 1974 में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन सैनिकों ने इस बिल्डिंग को खड़ा किया था, पर कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही इसमें स्थानिक लोग बसाए जाने लगे और आज यहाँ पर इस बिल्डिंग में एक पूरा का पूरा कस्बा रहता है। और इस बड़ी इमारत में सिर्फ लोग ही नहीं रहते, लेकिन उनकी जरूरतों के हिसाब से सभी व्यवस्थाएं की गई है। जब सर्दियों में अलास्का में ठंड बहुत ही बढ़ जाती है, तब यहाँ के स्थानिकों के लिए आसपास के इलाकों में भी जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस एक ही बिल्डिंग में सभी जीवन जरूरी चीजें अवेलेबल करवाई गई है। वैसे तो एक जगह एक बिल्डिंग है, लेकिन इस एक बिल्डिंग में पूरे के पूरे एक गाँव को बसाना सचमुच एक अनोखी बात है। नंबर 10, केव ड्वेलर। क्या दोस्तों, आप ये मानेंगे कि आज भी करोड़ों लोग गुफाओं में बसते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये सच है। चाइना में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी करोड़ों लोग गुफाओं में बसते हैं। जगह का नाम है केव ड्वेलर्स। यहाँ के लोग सालों से इन गुफाओं में बसते आए हैं और इन गुफाओं में भी वहाँ जो कुछ पैसे वाले लोग हैं वो उन केव्स में भी शानो शौकत से जीते हैं। वहाँ पर भी एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इन सब की सुविधाएं हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीब हैं, जो इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते और इन्हें देख के ये लगता है कि वो बहुत ही गुफाओं में बदहाली में जी रहे हैं। लेकिन इन सब में कॉमन बात यह है कि यहाँ पर रह रहे लोग कंक्रीट के बने घरों में नहीं, लेकिन प्राकृतिक गुफाओं में रहते हैं। यहाँ पर आज कई सारी गुफाएं ऐसी भी हैं जिन्हें रिजॉर्ट और होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। नंबर 11, थेम्स टाउन, चाइना। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि चीन पूरी दुनिया में किसी भी चीज की कॉपी करने के लिए नंबर 1 है। इस मामले में चाइना नकलखोर है। बहुत सारी ब्रांड्स, शूज, वॉच, मोबाइल और गाड़ियों की तो नकल वो करता ही है, लेकिन चीन यहाँ तक नहीं रुकता, वो तो पूरे के पूरे गांव और शहरों की भी नकल कर लेता है। और ऐसा ही एक छोटा सा शहर बसा है चाइना में जिसे कहते हैं थेम्स टाउन। ये इंग्लैंड के शहरों की और हूबहू लंदन की डिट्टो कॉपीकैट सिटी है। यहाँ की गलियां, घर, पार्क, सब कुछ इंग्लैंड के आर्किटेक्चर की नकल है और इस गांव का नाम थेम्स टाउन भी इंग्लैंड की थेम्स नदी के ऊपर से रखा गया है। और फ्रेंड्स, चाइना में ये एक लौता शहर नहीं है जो कॉपीड है,
चाइना में यूरोप के और एक शहर पेरिस की भी डिट्टो कॉपी सिटी है और इस शहर में एफिल टावर का एक छोटा रेप्लिका भी मौजूद है। तो दोस्तों हमारे आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप द नॉलेज में नए हैं तो रेगुलर हमारे अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। आगे मिलेंगे और एक हेल्दी नॉलेज के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।